मणिपुर की घटना को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर से भड़के हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ ये घटना हुई है वो बेहद ही शर्मनाक है, और इस बारे में डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इशू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया, और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ चीज़ों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियाँ घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फलना जी नाराज हो गया, चिल्ला जी नाराज हो गया। किस बात की नाराजगी भाई? हम सब लोगों का लक्ष्य है कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें, विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो बिना वेरीफाई बिना कुछ किए हुए कोई कुछ लिख देता उसी के पीछे सारी खबरें चलने लगती हैं। सर प्रधानमंत्री तो इसलिए कौन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं नहीं आप बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है, क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।